नमस्कार, प्रणाम। सभी सहारा इंडिया निवेशकों एवं जमाकर्ताओं व सम्मानित कार्यकर्ताओं का हार्दिक स्वागत करता हूं, वंदन अभिनंदन करता हूं आपके अपने YouTube चैनल इन्फॉर्मेशन विद पीके पर। मैं हूं पिंकू कुमार प्रजापत और आप देख रहे हैं इन्फॉर्मेशन विद पीके। दोस्तों, सहारा इंडिया का मुद्दा काफ़ी दिनों से चल रहा है। अभी हाल ही में आप लोगों ने देखा था, लगभग 9 से 10 दिन हो चुके हैं कि सहारा की हेड ऑफिस लखनऊ पर ईडी की छापेमारी हुई थी। सहारा की हेड ऑफिस लखनऊ में ईडी की छापेमारी के बाद में ईडी ने अपना प्रेस डिटेल्स भी रिलीज किया। उस प्रेस डिटेल्स रिलीज के संदर्भ में आप सभी को हमने एक वीडियो बनाया था, उसमें बताया था कि प्रेस डिटेल्स में ईडी ने क्या क्या पाया। उसमें 2.98 करोड़ रुपए की नकदी बरामद हुई, यानी कि 2.98 करोड़ रुपए की नकदी बरामद हुई, 12 पेन ड्राइव और कुछ इम्पोर्टेंट दस्तावेज। इसके बाद में लगातार सहारा के भुगतान हेतु सरकार ने सहारा पर शिकंजा कस दिया है। कह सकते हैं जो सरकार है, मोदी सरकार तीसरी बार बनी हुई है लगातार, लेकिन इस बार पूर्ण बहुमत सरकार नहीं है। किसी भी प्रकार से बनी हो, संगठन के माध्यम से, गठबंधन के माध्यम से, लेकिन मोदी सरकार ही कही जाएगी। जब से ईडी की छापेमारी हुई है सहारा के हेड ऑफिस लखनऊ पर, उसके बाद में इसने प्रेस डिटेल्स भी रिलीज कर दिया और अब जो है सहारा के भुगतान की बात आती है। तो हमने कई बार आप लोगों को बताया है कि जो हम लोगों का भुगतान इतने दिन से फंसा हुआ पड़ा है काफ़ी दिनों से, ये भुगतान अब मिलने ही वाला है, ज़्यादा वक्त नहीं लगेगा। इसको लेकर के नई से नई अपडेट देखने को मिल रही हैं, जानकारी देखने को मिल रही हैं कि जो सहारा का भुगतान है अब पोर्टल के माध्यम से नहीं बल्कि सहारा के ब्रांच से ही होगा। सहारा के ब्रांच से इसलिए होगा दोस्तों क्योंकि पोर्टल धीरे धीरे फेल होता हुआ चला जा रहा है। 18 जुलाई 2023 से सहारा रिफंड पोर्टल पर जितने भी निवेशकों ने अपना पूर्णतया आवेदन किया था और आवेदन करने के पश्चात उनके पास डेफिशिएंसी कम्युनिकेटेड का मैसेज आया हुआ है, ऐसी स्थिति में उनको अनेक परेशानियों का सामना करना पड़ा और भुगतान नहीं मिल पाया। तो उन्होंने जो महाधरना प्रदर्शन आंदोलन आवाज़ें उठाई, माननीय सुप्रीम कोर्ट में रिट याचिकाएँ भी लगाई, PIL भी दर्ज की, लेकिन जो हम लोगों की सुनवाई की डेट होती थी माननीय सुप्रीम कोर्ट भी आगे उसको बढ़ा देता था। ये सभी लोग जानते होंगे कि जब भी सुनवाई की डेट आती थी तो अगली नेक्स्ट डेट दे दी जाती थी। क्यों दे दी जाती थी इसकी तो कल्पना हम लोग नहीं कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों, अभी जो सितंबर महीने में जो डेट मिली है 22 और 24 अप्रैल को माननीय सुप्रीम कोर्ट में जो सुनवाई होनी थी, हमारा जो केस लिस्टेड है सुप्रीम कोर्ट में सहारा इंडिया वाला, तो उसकी सुनवाई सितंबर में है, 4-5 सितंबर को होना है। लेकिन उससे पहले हम लोगों को एक बहुत बड़ा बदलाव देखने को मिलेगा। हो सकता है उस केस से पहले ही हम लोगों का भुगतान क्यों ना स्टार्ट हो जाए। लगातार ऐसी जानकारी मिल रही हैं कि जितने भी निवेशकों का भुगतान फंसा हुआ है इतने दिनों से, उन सभी का भुगतान बस उसी केस को लेकर के सुनवाई जब हो जाए फिर उसके बाद में नया कुछ निर्णय लागू किया जाएगा। तो 3-4-5 सितंबर को माननीय सुप्रीम कोर्ट में केस की सुनवाई होनी है, उसके बाद में जो है भुगतान को लेकर के नई प्रक्रिया जारी की जाएगी। वैसे हमारी तो एक ही राय है कि हमारे जितने भी देश के 12 से 13 करोड़ सहारा इंडिया कंपनी की अलग अलग सोसाइटीज़ में फंसे हुए निवेशकों का जो भुगतान है, सहारा का ब्रांच खोलकर जिस प्रकार पहले से लेन देन होता था उसी प्रकार अगर होने लगे तो बहुत ही बड़ी सहूलियत होगी। और बहुत बहुत धन्यवाद उन लोगों को देना चाहूँगा जो लोग इस भुगतान के प्रति अपनी जागरूकता दिखाएंगे। वैसे आप जितने भी हमारे व्यूअर्स हैं, सब्सक्राइबर्स हैं, आप लोगों की क्या राय है कि आप लोग किस प्रकार से भुगतान लेना चाहते हैं, नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखा करें ताकि हमारा भी
हौसला थोड़ा बुलंद हो कि हमारे इन्वेस्टर्स आखिर हमारे व्यूअर्स क्या चाहते हैं, किस प्रकार से भुगतान लेना चाहते हैं। तो इसी के साथ हम अपनी इस छोटी सी वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं और मिलते हैं फिर नेक्स्ट नए वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी को हमारी तरफ से जय हिंद, नमस्कार दोस्तों।